हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना इवनिंग से, और अभी बज रहे हैं इवनिंग के 7 o'clock, और आज है 5th March और आज थर्सडे है। तो मुझे आज बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि आज थर्सडे है और मैंने कपड़े धो डाले। फिर मुझे याद आया कि आज थर्सडे था, मुझे कपड़े नहीं धोने थे। अच्छा, मेरे पास कमेंट आता है, दीदी थर्सडे को कपड़े क्यों नहीं धोते हैं? तो मैं साईं बाबा की पूजा करती हूँ, और मेरे हस्बैंड पहले फास्ट भी करते थे, अभी कुछ टाइम से उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि वो उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो थर्सडे की जो साईं बाबा की जो कहानी है, जो कथा है, उसमें लिखा हुआ है कि आप अगर विष्णु भगवान की भी रहते हो ना, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि थर्सडे को कपड़े नहीं धोते हैं, पोछा भी नहीं लगाते हैं, और बहुत से लोग तो साबुन से नहाते भी नहीं हैं, बिना साबुन के उस दिन नहाते हैं। तो ऐसा मैंने सुना है, और हमने कथा पढ़ी थी साईं बाबा की, तो उसमें भी ऐसा दिया हुआ है कि थर्सडे वाले दिन कपड़े नहीं धोते हैं। तो बस इसलिए मैं इग्नोर करती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना, भूल जाते हैं। सुबह से मुझे याद नहीं था, क्यों याद नहीं था। और कल 4th March था, तो कल इवनिंग में ये निकल गए थे खाटू श्याम जी के लिए, और इस बार मैं खाटू श्याम जी नहीं गई हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कल से अकेली हूँ। कल ये निकल गए थे शाम को 5 बजे, और रात को 2 बजे वो पहुँचे थे खाटू। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अच्छा भी नहीं लग रहा था, और घर में बहुत सारे काम चल रहे हैं, जैसे कुछ कुछ काम पेंडिंग थे, मैंने आपको बताया था ना, लाइट के बहुत सारे काम पेंडिंग थे, और कुछ फर्नीश का भी काम चल रहा था, फर्नीचर का। तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि चलो घर पे काम चल रहा है तो फिर छोड़ के भी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, तो मैं इनके साथ नहीं गई। और नहीं गई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सच में बहुत सूना सूना लग रहा है, क्योंकि हर महीने जाती हूँ ना मैं इनके साथ, इसलिए आज पहली बार है जो ये अकेले गए हैं खाटू। तो मैं इनसे कंटिन्यू अपडेट लेती जा रही हूँ। मैंने इनको बोला है कि आप छोटी छोटी सी क्लिप ज़रूर बना के लाइएगा, जिससे मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मैं नहीं गई हूँ लेकिन मैं झलक तो देख ही पाऊँगी, मैं भी देख पाऊँगी और आप सबको भी दिखाऊँगी। तो मैंने इनको बोल दिया, आप देखते हैं बना के लाते हैं कि नहीं लाते हैं, इनको याद रहे, पहली बात तो ये है, क्योंकि ये भूल जाते हैं। और छोटी छोटी अपडेट ये मुझे देते जा रहे हैं। इन्होंने आज सुबह 10 बजे तक दर्शन कर लिए थे, ऐसा सुन रहे थे कि पहली बार मेले में गए हैं ये, ऐसा सुन रहे थे कि बहुत भीड़ होती है, 8 से 10, 12 घंटे में दर्शन का नंबर आ पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से दर्शन हो रहे हैं 4 से 5 घंटे में इनको, और कम घंटे में ही, मतलब 1 से 2 घंटे में ही दर्शन हो गए थे इनको। और तो अभी तक तो ये है कि मैं अकेली हूँ घर पे, अच्छा नहीं लग रहा। कल रात को मैं, पता है कितने बजे सोई थी, 3 बजे सोई थी रात को, 2 से 3 बज रहे थे क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी दिल्ली में, और बताओ यार ऐसा मौसम हो रहा है, अभी भी देखो इतनी तेज हवा चल रही है बाहर, ऐसा लग रहा है कि रात को फिर से बारिश होगी। और अभी मैंने नेल पेंट लगाई है रेड कलर की, मेरे पास कमेंट आया था दीदी रेड कलर की नेल पेंट आप क्यों लगाते हो, दूसरी लगाओ, तो मैं आपको बता दूं मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही कलर है, रेड कलर का। मुझे इतना भी, मतलब अपने लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ और अपने लिए नेल पेंट लेके आऊँ। मेरे पास पहले थी, मैं सदर से लेके आई थी बहुत सारी नेल पेंट, तो रखी रखी थोड़ी सी वो वैसी हो गई थी, तो मैंने दीदी को दे दी थी, और बहुत अच्छे अच्छे कलर थे, ग्रीन कलर था, ब्लू कलर था एंड गोल्डन कलर था, तो मैंने उनको दे दिया। अब मैं जाऊंगी कभी नेक्स्ट टाइम तो फिर लेके आऊंगी। तो बस मैं अकेली हूँ, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ अपने लिए खाने में, तो मैं सोच रही हूँ कि दाल चावल बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं पता क्या बनाने वाली हूँ, गुजिया। जी हाँ, तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा मंडे और ट्यूसडे की दोनों दिन होली है, मंडे को है छोटी वाली होली, जब वो होली जलती है ना, होलिका दहन जैसे बोलते हैं, तो वो होली है, और ट्यूसडे की है बड़ी होली, मतलब खेलने वाली होली, रंगों वाली होली। तो मैं तो होली खेलती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, फूलों की होली और गुलाल की होली मुझे अच्छी लगती है, बट रंगों की होली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो
होली आने वाली है, आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मेरी तो अभी फ़िलहाल कुछ तैयारी नहीं है, लेकिन आज से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अभी तक मेरी मतलब मन अच्छा सा नहीं था, इसलिए मैंने अभी कोई भी तैयारी नहीं की। लेकिन अभी मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह चॉप करके रख दिया है, क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम लगता है ना काटने वाटने में। और मावा मैंने कल रात को ही बना के रख दिया था, मार्केट से नहीं मंगवाया है, क्योंकि ये तो है नहीं घर पे, और वैसे भी मार्केट का मावा आपको पता ही है कितनी मिलावट होती है। तो मैंने बनाया है इंस्टेंट वाला मावा, जो कि मैंने श्रद्धांजलि की रसोई पे ऑलरेडी शेयर कर दी है रेसिपी। वो मावा मैं कैसे बनाती हूँ, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं हर साल उसी की गुजिया बनाती हूँ। तो बस मावा तो मैंने कल रात को ही बना के रख दिया था, अकेली थी, सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ, ब्लॉग मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मन नहीं था। ये चले जाते हैं उसके बाद तो फिर मेरा और भी मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बस सोते रहो, आराम करो, रेस्ट करो। तो मैंने मावा बना के रख दिया था और बस अभी मैं बनाऊँगी गुजिया, तो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी श्रद्धांजलि की रसोई पर। थोड़ी थोड़ी झलक आपको ब्लॉग में भी दिखा दूंगी। और अभी मैं अपने लिए पहले डिनर बनाऊंगी, क्योंकि गुजिया बनाने बैठ जाऊंगी ना तो फिर डिनर रह जाएगा और मैं भूखी ही सो जाऊंगी। इतनी बड़ी आलसी खोर हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हूँ। अपने लिए तो कुछ भी बनाना मतलब आलस आता है बहुत ज़्यादा, कि कौन बनाएगा कौन खाएगा ये होते हैं, तो इनके बहाने से बन भी जाता है हर कुछ, लेकिन मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बनाती। सुबह मैंने पराठे बनाए थे, वही मेरा ब्रंच था, और वही मेरा ब्रेकफास्ट था, वही मेरा लंच था, मतलब लंच बनाया था मैंने, ये कहना चाह रही थी। तो अभी दीदी नहीं आएगी 2-3 दिन तक, क्योंकि वो गई अपने घर पे। आज आई थी सुबह, बर्तन साफ़ कर गई है और हल्की हल्की झाड़ू लगा गई थी, पोछा नहीं लगाया आज उन्होंने, क्योंकि उनको जल्दी हो रही थी, निकलना था 12 बजे की उनकी ट्रेन थी। तो कल नहीं आएगी, परसों नहीं आएगी, मतलब सारा काम मुझे करना पड़ेगा। अब कब तक आएगी, वैसे तो कह के गई कि होली से पहले आ जाएंगी वो, उनकी उनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्हें हर महीने जाना पड़ता है अपने घर अपने गांव। तो वो प्रॉब्लम क्या चल रही है मैं उनसे पूछ करके आपको बताऊंगी, नहीं तो फिर वो बोलेंगे कि दीदी आपने सबको बता दिया। अच्छा नहीं लगता ना, देखो किसी की लाइफ के बारे में मैं नहीं सबके साथ शेयर कर सकती हूँ, उनसे पूछ के फिर आपको बताऊँगी कि मैं बता सकती हूँ कि नहीं बता सकती हूँ। वैसे प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और मैं नहीं चाहती कि उनके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो। वो बेचारी अच्छी हैं और भगवान उनके साथ सब कुछ अच्छा करे, मैं तो यही कहती हूँ भगवान। तो वह किसी के साथ भी बुरा ना हो, सच में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम भी तो एक लड़की हैं किसी की, है ना, बहू हैं बेटी हैं, तो वो भी तो किसी बहू बेटी है लड़की है, उस पर क्या बीतती होगी, है ना। सभी जगह झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर रही है वो, तो मुझे ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा दया भी आती है सच में, भगवान उसके साथ अच्छा करें। और मैं थोड़ी देर यहाँ पे आके खड़ी हो गई थी बालकनी में, तो पता है जो मैंने कपड़े और मशीन लगा दी थी ना, मैं आपको बताने ही भूल गई, तो बाकी के कपड़े मैंने वहीं की वहीं रोक दिए हैं। मैं इससे ज़्यादा कपड़े नहीं धोऊंगी, बस इतने धुल गए थे, एक बार का मैंने धो दिया था और दूसरी बार का लॉट मैंने लगा दिया था, लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि आज थर्सडे है, तो फिर मैंने नहीं धोए कपड़े, क्योंकि भूल से जो काम हो जाता है वो ठीक है, लेकिन जाने अनजाने मतलब जान कर कोई काम करो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक मतलब मन में रहता है ना फील सा, क्योंकि हर बार नहीं करते हैं, इस बार करो तो अच्छा नहीं लगता। और चलिए फिर चलते हैं अंदर और मैं बनाती हूँ फटाफट से, दाल चावल बना रही हूँ, जल्दी बन जाएंगे और मेरे फेवरेट है, मुझे तो ये नहीं होता ना तो मैं दाल चावल ही खाऊँ अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिर मैं बनाती हूँ दाल चावल अपने लिए, उसके बाद बनाएंगे गुजिया मिल करके। और मैं सोच रही हूँ थोड़े से घूमते हुए चली जाऊँ, तो मैं दूध ले आऊँ वहाँ पे, जैसे ही अपार्टमेंट से बाहर निकलती हैं तो बिल्कुल बगल में ही शॉप है, वहाँ से मैं दूध लेके आ जाऊँगी। तो अभी चलते अपन सब लोग मिलके चलेंगे साथ में, है ना। तो सोच रही हूँ दूध ले आती हूँ, चाय के लिए दूध नहीं है, और चाय के लिए क्या मतलब कोई भी आ जाता है, क्योंकि काम चल रहा है तो मुझे इन सब के लिए थोड़ी बहुत चाय बनानी पड़ती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दूध लेके मैं आती हूँ, वैसे ये लेके लग गए थे तो वो ख़त्म हो गया है, और अब मैं ले आती हूँ, कोई बात नहीं। तो चलें फिर, बहुत हो गई बातें, कल मैंने ब्लॉग शेयर नहीं किया था, आपसे बातें नहीं की थी, देखा कितनी सारी बातें मेरे मन में थी, सारी बातें कर डाली एक सांस में, सांस भी नहीं ली। तो अच्छा लगता है आपके साथ सारी बातें शेयर करना। तो बस अभी सब यही चल रहा है और अब मेरा मन ठीक ठीक है, मन थोड़ा सा उदास था, ठीक हो गई हूँ, और सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं गुजिया बनाएंगे। तो मैं बना रही हूँ दाल चावल, और उसी के लिए बस यहाँ पे मैं दाल निकाल रही हूँ, और जो चावल बनाऊँगी वो भी निकाल दूँगी। तो दाल को थोड़ा सा मैं पानी डाल के रख दूँगी जब तक वो अच्छे से गल जाएगी, उसके बाद फिर मैं उसको डायरेक्टली छोंक दूँगी, क्योंकि पहले बॉईल करो फिर उसको छोंको तो डबल डबल प्रोसेस हो जाती है। जब मुझे जल्दी होती ना तो इस तरह से मैं डायरेक्टली छोंक देती हूँ। और यहाँ मैंने राइस बनने के लिए भी रख दिए हैं, और उसमें नमक भी डाल दिया है, मैं नमक डाल के बनाती हूँ राइस, नहीं तो मुझे फीके फीके लगते हैं।
गाइस ये देखो, ये है वो मावा जो मैंने बना के रखा है और इसकी बनाएंगे गुजिया। ठीक है, तो इसको अभी मैं साइड से रख देती हूँ, ये बाद में काम आएगा, बना के रख दिया है मैंने। अब मैं काट रही हूँ टमाटर, प्याज, लहसुन, हरा धनिया वगैरह सब कुछ। तो मैं बना रही हूँ दाल, चावल मैंने बनने के लिए रख दिए हैं और दाल मैंने यहाँ पे पानी डाल के रख दिया, थोड़ी सी फूल जाएगी ना दाल, उसके बाद फिर मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी, तो डायरेक्ट छोक दूंगी मैं इसको। मुझे ना हल्की हल्की सी ठंड लग रही है क्योंकि कल से ना दिल्ली में बारिश हो रही है और अभी भी बहुत तेज हवा चल रही है बाहर, इसलिए मैंने स्टॉल ले रखा है। और मुझे ना सारे जो वूलन वाले कपड़े हैं ना, स्वेटर वगैरह सब कुछ मुझे रखना है धीरे धीरे धो करके, तो अभी मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ, होली के बाद रखूंगी, क्योंकि देखो सर्दी का कोई भी भरोसा नहीं है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, दिन में हल्की हल्की गर्मी लगने लग जाती है और जैसे ही रात होती है ना वैसे ही सर्दी लगने लग जाती है, तो इसलिए मैंने अभी रखे नहीं है कपड़े, ये आ जाएंगे उसके बाद। मैं होली के बाद अच्छे से वॉश करके जो मेरे पुराने बैग हैं या फिर जो मेरे पास अटैच वगैरह है ना उनमें मैं उनको एडजस्ट करके रख देती हूँ, क्योंकि साल भर के लिए रखना होता है, गर्मी बहुत दिन तक चलती है, इतनी जल्दी तो सर्दी आती नहीं है। तो मैं उसको अच्छे से बूलन वाले कपड़ों को धो करके इजी से, और उसमें वो वाली जो गोलियां आती है ना व्हाइट कलर की, वो वाली गोलियां डाल करके और उनको अच्छे से पैक करके मैं रख देती हूँ। तो ये काम जब करूंगी वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, बूलन वाले कपड़े कैसे रखती हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैंने नहीं रखे, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैंने धोना स्टार्ट जरूर कर दिया है, कुछ तो मेरे धुले हुए रखे हुए हैं, नए वाले जो स्वेटर वगैरह होते हैं ना वो मैं कहीं भी पहन कर जाती हूँ तुरंत ही धो करके रखती हूँ, तो कुछ धुले हुए रखे हैं और जो डेली यूज में पहनने वाले थे वो नहीं धुले हैं, उनको धोना है, तो वो सारे धो करके उसके बाद फिर मैं रख दूंगी। तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ ये प्याज और बढ़िया अच्छी सी दाल बनाती हूँ, बढ़िया राइस बनाती हूँ, मुझे दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं सच में, ये नहीं होते ना तो मुझे फटाफट से बन जाने वाला है, इजी खाना है ना मेरा यही है, लाइट भी खाना है और अच्छा भी लगता है खाने में। और इसके बाद दाल चावल बनाने के बाद मैं जाऊंगी दूध लेने के लिए, दूध मतलब ये सारे घर के कामों से फ्री होने के बाद मैं अपनी रेसिपी जो है शेयर करूंगी, शूट करूंगी उसको, क्योंकि किचन पूरी क्लीन करनी होती है, उसके लिए हर चीज प्रॉपर लगानी होती है, एक छोटा सा वीडियो बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत होती है इसलिए आप शौरांजलि की रसोई को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि, तो प्लीज कर लीजिए। और आप सबकी क्या तैयारी चल रही है होली की मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपने क्या क्या बनाया। फिलहाल तो मैं गुजिया बना रही हूँ, उसके बाद सोचूंगी कि फिर मैं क्या बनाऊं, तो एक दो चीजें बनाऊंगी मैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगी दूसरे वाले चैनल पे, क्योंकि देखो वहां भी आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, वहां भी मुझे कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए वहां मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मुझे फॉलो कर लीजिए टिकटॉक पे, फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, वहां मैं अच्छे अच्छे अपनी फोटो डालती हूँ, अपनी रेसिपी की फोटो डालती हूँ, और आप मुझे फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज पे। ये प्याज की जो होती है ना मिर्ची जो आंखों में लगती है, आंसू आते हैं इससे, ये बहुत खराब लगती है मुझे सब। तो यहाँ मैं काट रही हूँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ये लहसुन वगैरह होता है, सारी चॉपिंग करके रख लूँगी, फिर डायरेक्टली मैं दाल छोंक दूँगी। और मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, तो मुझे कोल्ड हो गया है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी इस तरह से आ रही है, और मॉर्निंग में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मॉर्निंग की आवाज़ कुछ ऐसी ही होती है। तो साथ साथ में मैं राइस भी देखती जा रही हूँ, और यहाँ मैंने कुकर रख दिया है, तो मैं दाल में तड़का भी लगा देती हूँ, मतलब छोंक रही हूँ, तो मैंने ऑयल डाल दिया है, उसमें हींग जीरा डाल दिया, ये मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च है ये डाल दी, और ये भुन जाएगी, उसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी, उसके बाद रेगुलर सारे जो मसाले होते हैं वो ऐड कर देंगे, जो धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब डाल दूँगी, उसके बाद दाल डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, और इसको मैं 2 से 3 इसमें सीटी ले लूँगी,
उसके बाद गरम मसाला हरा धनिया मैं बाद में ऐड करूँगी। तो मसाला पहले जो प्याज टमाटर मैंने सब डाला है अच्छे से पहले उनको भून लूँगी। तो दाल में तड़का लगाने के बाद पूरी किचन आप देख सकते हैं कैसे मैसी हो गई है। तो बस इसको मैं पूरा एक जैसा कर देती हूँ क्योंकि अभी मुझे रेसिपी भी शूट करनी है और सारा काम फैल जाएगा तो फिर मुझे टाइम लगेगा। इसलिए मैं जब तक मेरा कुकर में सीटी आएगी तब तक मैं पूरी किचन क्लीन कर दूँगी। और आजकल दीदी नहीं आ रही है तो मुझे बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन करने पड़ रहे हैं। बर्तन क्लीन कर रही हूँ, घर का जो झाड़ू पोछा होता है, डस्टिंग होती है, वो सारे काम अभी मेरे ऊपर आ गए हैं। तो आज तो दीदी कर गई थी लेकिन अब कल से नहीं आएंगी। तो अभी इवनिंग के बर्तन थोड़े से निकले हैं तो मैं बर्तनों को भी ज़्यादा नहीं होने दूंगी, थोड़े थोड़े होते जाएंगे तो मैं क्लीन करती जाऊंगी साथ ही साथ में, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो फिर बहुत टाइम लगता है। तो मुझे ऐसे ही काम करना पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, घर गंदा गंदा भी लगने लगता है। तो मैं साथ ही साथ में सारे काम अपने निपटाती जाती हूँ। बाहर ना बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है, आप क्या बोले जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ दूध लेने, लॉक लगा दिया है मैंने और ये लिए हैं मैंने पैसे। तो बस जस्ट अपार्टमेंट के बाहर ही जाना है मुझे, मैंने सोचा कि पहले ले आऊँ। तो पीला बादल हो रहा है, बारिश भी आ सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता है इस मौसम में। तो मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, पैसे ले लिए हैं, चाबी ले लिए, लॉक लगा दिया। जस्ट पास में ही है शॉप, बस बाहर निकलते ही देखा कितनी तेज़ हवा लग रही है, बहुत तेज सर्दी लग रही है, बहुत तेज। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर तक, लेके आते हैं दूध। मुझे तो सर्दी भी होने लग गई है और हल्की हल्की बूंद तो आने भी लग गई है, बूंदाबांदी आ रही है। अमूल दे दो। दो किलो लेंगे ना, दो थैली दे दो, एक किलो। अच्छा दो थैली, हाँ एक किलो की एक थैली दे दो। हाँ हाँ दे दो। और कुछ तो नहीं? नहीं। तो गाइस ये देखिए झील है यहाँ पे, और दूध मैंने ले लिया है, मैं जा रही हूँ वापस घर। बस इतना पास में मुझे आना था और सर्दी लग रही है बाहर बहुत तेज, आप देख सकते हो हर चीज़ कितने जोरों से हिल रही है। पहले मैं पैसे पकड़ लूँ ना तो पता चला कि बात करने के चक्कर में गिर ही जाएंगे। तो ये रहा दूध, 1 kg वाला पैकेट। ये देखो गाइस जस्ट अभी मैं दूध लेके आई हूँ, तो वैसे ही बारिश आ गई, तेज आ रही है। मैंने सारे कपड़े उठा लिए यहाँ से आके फटाफट से, क्योंकि वो हवा तो खा गए थे। मैंने सोचा कि अभी इतने गीले हो जाएंगे तो मैं अंदर भी नहीं डाल पाऊंगी, तो मैंने अंदर फैला दिए उनको चेयर पे। और देखो बारिश आ गई, अच्छा हुआ ना मैं दूध ले आई, बहुत तेज हवा चल रही थी, सर्दी लग रही है। बाहर अंदर चलते हैं, गर्मा गर्म दाल चावल खाते हैं, होने दो बारिश। तो वो शॉप पे जो भैया खड़े हुए थे ना, बोल रहे थे कि 2-3 दिन तक कुछ ऐसा ही है, होली के बाद मौसम थोड़ा ठीक होगा। और अभी कल भी बता रहे हैं कि कल भी बारिश का ही मौसम रहेगा। चलिए फिर मैं जा रही हूँ, मैंने मशीन बंद।
तो मैं दाल बना के गई थी और राइस भी बना के गई थी। अब यहाँ पे जो मैं दूध लेके आई हूँ उसको भी गर्म होने के लिए रख दूंगी। तो ये मैं 1 kg वाली एक थैली लेके आई हूँ और ये छोटा बर्तन पड़ गया था, फिर मुझे लगा कि दूसरे बर्तन में कर देना चाहिए क्योंकि बॉयल होकर भी दूध ऊपर आता है, तो मैंने इसे दूसरे बर्तन में कर दिया है और दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दूंगी। तो चलिए मेरा दूध गर्म भी हो गया है, सारे काम मेरे हो गए हैं किचन के, बस खाना खाना रह गया है। तो यहाँ पे दाल जो बन के तैयार हो गई है इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और खाते टाइम पे थोड़ा सा घी भी डाल दूंगी क्योंकि घी डाल के दाल अच्छी लगती है और मैंने तड़का घी में नहीं लगाया था, आजकल मैं थोड़ा सा घी कम ही खा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पापड़ भी रोस्ट कर लिए हैं, मूंग दाल के पापड़, और ये है राइस। तो ये है मेरा आज का डिनर, दाल राइस एंड सैलेड। सो गाइज ये देखो 9:30 बजने वाले हैं 5 मिनट में, तो डिनर मैंने कर लिया। इतनी तेज भूख लग रही थी, जब बहुत तेज भूख लगती है और इस तरह से गर्मा गर्म खाना जब दिख जाता है ना तो मतलब कंट्रोल नहीं होता है बस, तो फटाफट जाके मैंने खाना खा लिया अपना और मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे आपको दिखाना भी है खाना खाते हुए। बाद में याद आया कि मैंने खाना तो खा ही लिया, कोई बात नहीं। तो डिनर मैंने कर लिया है और अब मैं कर रही हूँ गुजिया बनाने की तैयारी, और आधी तैयारी मैंने कर भी ली है। तो चलिए फिर बनाते हैं फटाफट गुजिया, अभी 9:30 बज रहे हैं और मुझे कितना टाइम लगेगा पता नहीं है, 1 से 1.5 घंटा तो मुझे लग ही जाएगा बनाने में। अकेली हूँ, कोई हेल्प के लिए होता है तो जल्दी बन जाती है, और मुझे रेसिपी भी शेयर करनी है क्योंकि वीडियो के साथ में बनाते हैं तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए फटाफट से मैं पहले गुजिया बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँगी, इस ब्लॉग को बाद में मैं एंड कर दूँगी। ओके, तो यहाँ मैंने डो लगा दिया था और ये सारी रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी अपने दूसरे चैनल पे शौरांजलि की रसोई पर। और बस अब यहाँ मैंने सोचा कि बहुत सारी मुझे गुजिया बनानी है, खड़े खड़े तो मेरे पैर दुखने लग जाएंगे, तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ और हॉल में बैठ गई हूँ और बस मैं फटाफट से सारी गुजिया बना लूँगी और इसे एक हल्के गीले कपड़े पर डालती जा रही हूँ जिससे ये सूखे ना, और इसके ऊपर मैंने वो कपड़ा ऊपर से भी ढक दिया है क्योंकि सूख जाती हैं गुजिया बहुत जल्दी। और यहाँ मैंने स्टफिंग बना के रखी है मावे की, जैसे कि मैंने आपको दूसरे वाले चैनल पे बताया ही है। तो बस ये बन रही है फटाफट से मेरी सारी गुजिया, अकेली हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब कुछ बनाने में। तो सारी गुजिया बनाने में मुझे मिनिमम टाइम लगा था, 2 से 2.5 घंटा लग गया था ये सारी तैयारी करने में बनाने में। और फाइनल ये सारी गुजिया बन चुकी हैं, अब यहाँ पे मैं इनको कर रही हूँ डीप फ्राई। तो ये है नाइट का टाइम, मैं आपको दिखा रही हूँ। सो गाइस बहुत रात हो गई है, अभी मैंने आपको टाइम दिखाया ना, 2 ही बज जाएंगे मुझे सोते सोते, अभी 2 बजे नहीं है। और ये देखिए मैंने गुजिया बना के तैयार कर दिया, अब मुझे नींद आने लगी है बहुत तेज़। तो मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग भी मैं एंड कर देती हूँ, टिकटॉक भी बना डाली, रेसिपी भी शेयर कर दी, ब्लॉग भी चल रहा था, मतलब 3-3 जगह मैं कैसे मैनेज कर रही थी ये मुझे ही पता है। तो मैंने गुजिया फाइनली आज बना ली है और कल देखती हूँ क्या बनाती हूँ, तो जो भी कुछ बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मतलब देर रात तक मैं बना रही हूँ होली के लिए नाश्ता, बताओ कौन बना रहा होगा इस टाइम पे, लेकिन मैं बना रही हूँ। और ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं इन्हें अच्छे से रख करके ही सोऊंगी। अभी अभी मतलब एकदम से नींद तो आती नहीं है, आधे घंटे में आएगी नींद, तब तक ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी, अभी वैसे हो गई हैं। और उसके बाद मैं इन्हें दूसरे बर्तन में करके रख दूंगी, नहीं तो पता नहीं इस तरह से रात को कोई कीड़ा वीड़ा आ जाए, डर लगता है।
तो किचन वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिया, ये देखिए। ठीक है, तो बस ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और आप सबकी क्या तैयारियाँ हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेसिपी आपको मिलेगी गुजिया की शौरांजलि की रसोई पर, तो प्लीज़ चेक जरूर कर लीजिएगा। कुछ लोग मुझे पता है हेट कमेंट करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हो, आप चेक कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, तो बस मैं जा रही हूँ, लिपस्टिक वगैरह अपनी रिमूव करूँगी और उसके बाद सोने के लिए जा रही हूँ। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, गुड नाइट। आप सभी लोग सो गए होंगे इस टाइम पे।